मुंबई की बोरीवली पश्चिम वार्ड क्रमांक एक शिवसेना पूर्व नगर सेवक मुंबई बैंक संचालक अभिषेक घोसालकर के जन्मदिन के निमित्त युवा सेना द्वारा शाखा क्रमांक एक में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। आज के ब्लड कैंप में युवाओं द्वारा 150 बोतल तक ब्लड कलेक्शन करने का टारगेट किया गया था। इस कोरोना महामारी के दौरान शाखा क्रमांक एक द्वारा चौथी बार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान ही दहीसर पश्चिम जैन गार्डन के पीछे मैंग्रोव में क्लीनअप कैंप भी चलाया गया। क्लीनअप कैंप में मैंग्रोव से 4 ट्रक ड्रेबीज और प्लास्टिक निकाला गया। इस मौके पर आमदार विलास पोतनीस, पूर्व नगर सेवक मुंबई बैंक संचालक अभिषेक घोसालकर, भालचंद्र महात्रे, शकुंतला शेलार, राजेंद्र इंदुलकर, जूड़ी मेंडोसा, जितेन परमार और दर्शित कोरेगांवकर स्थानीयों के साथ शिवसेना के कार्यकर्ता उपस्थित थे। हिंदी में चाहिए। आज शिवसेना शाखा क्रमांक एक और युवा सेना के माध्यम से आज यहाँ पे ब्लड कैंप आयोजित किया हुआ है। आज मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक यहाँ पे ब्लड कैंप में अपना सहभाग दिया हुआ है और आज का हमारा जो टारगेट हो 120-130 लोगों को यहाँ पे हम लोग ने आमंत्रित किया है ब्लड कैंप के लिए और 130 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे ऐसी अपेक्षा है। मेरे ख्याल से कोविड के इस महामारी में ये चौथा ब्लड कैंप हम लोग आज ले रहे हैं। आज ऐसे ही कांदरपाड़ा में जैन गार्डन के पीछे जो हमारा मैंग्रोव है वो मैंग्रोव का क्लीनअप कैंप का भी आयोजन आज सुबह से किया हुआ था और वो आयोजन करके आज ब्लड कैंप का ये आयोजन हो रहा है। लोगों का उत्साह और युवा पीढ़ी का उत्साह खास करके यहाँ पे बहुत है। मैं युवा पीढ़ी को खास करके धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमारे पंचमहाभूते फाउंडेशन को भी यहाँ पे मैं धन्यवाद करता हूँ जो ये ब्लड कैंप सक्सेस बनाने के लिए जिन्होंने मेहनत की वो सभी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।